नमस्कार। लास्ट क्लास में हमने बात की थी टेंसर्स के बारे में। हमने कहा था कि सदिश और अदिश राशियां स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों अपने पास टेंसर का ही एक फॉर्म है ना। जीरो ऑर्डर का टेंसर था वो मेंशन करता है किसको, अदिश राशि को या स्केलर क्वांटिटी को। और इसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर का जो टेंसर था वो व्यक्त करता है किसको, सदिश राशि को या वेक्टर क्वांटिटी को। हम टाइप ऑफ टेंसर की बात कर रहे थे। सबसे पहला टेंसर हमने पढ़ा था कौन सा, कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर हमने पढ़ा था, या हमने कहा था कौन सा टेंसर था, प्रतिचर प्रदिश की हमने बात की थी, जिसको डिनोट करने का तरीका हमने मेंशन किया था कि भाई सुपरस्क्रिप्ट लगाकर हम मेंशन करेंगे। ए बार आई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल, एक्स बार आई आ गया, वैल्यू आ गई डेल आ गया, एक्स जे आ गया और वैल्यू आ गई ए और वैल्यू आ गई जे। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर टेंसर कौन सा, कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर की हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिफाइन करी थी इस तरीके से है ना। और किसी भी टेंसर के कंपोनेंट जो थे वो हमने कहा था n रेस्ट टू पावर p से हम डिनोट करते हैं। n जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ डायमेंशंस थी, मतलब हम कितनी डायमेंशन का स्पेस ले रहे हैं। थ्री डायमेंशन स्पेस यदि हम ले रहे हैं तो n इक्वल टू 3 बन जाएगा। n डायमेंशन स्पेस या 5 डायमेंशन 6 डायमेंशन स्पेस यदि हम ले रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और p हमारे पास टेंसर के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे ये एग्जांपल हमारे पास किसका है, फर्स्ट ऑर्डर कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर का, यानी पी इक्वल टू वैल्यू आ गई 1। यानी मैं कहूँ कि थ्री डायमेंशन स्पेस में इस कॉन्ट्रावेरियंट टेंसर के कितने कंपोनेंट हमें मिलेंगे, 3^1 इक्वल टू 3 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट हमें मिलेंगे। इसी तरीके से हमने सेकंड ऑर्डर डिफाइन किया था और हायर ऑर्डर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं दूसरे टेंसर के बारे में, जिसको हमने कहा था कौन सा, जिसको हमने कहा था कोवेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, या दूसरे शब्दों में हमने इसको क्या कहा था, कौन सा प्रदेश कह दिया था, सहचर प्रदेश कह दिया था। ठीक है, जिस तरीके से हम कह रहे थे कि भाई प्रतिचर प्रदेश को है ना सुपरस्क्रिप्ट लगाकर मेंशन करते हैं, उसी तरीके से कोवेरिएंट टेंसर है उसको हम सबस्क्रिप्ट लगाकर मेंशन करते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट लगाकर मेंशन करते हैं किस तरीके से, सपोजिट मेरे को मेंशन करना है कॉन्ट्रावेरिएंट लिखा तो मैंने सुपरस्क्रिप्ट लगाया है ना। अब यदि मुझे कोवेरिएंट टेंसर मेंशन करना है तो मैं किधर लगाऊंगा, हमें वैल्यू क्या बनेगी, सबस्क्रिप्ट लगाएंगे अपन है ना। तो वैल्यू आ गया हमारे पास ए बार आ गया और वैल्यू आ गया आई। कैसे मेंशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ले लिए, एस और एस डैश। एस में किसी पार्टिकल के अपने पास कोऑर्डिनेट हमने ले लिए, एक्स वन ले लिया, एक्स टू ले लिया, एक्स थ्री ले लिया और सो ऑन है ना, एक्स एन तक हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें ले लिया हमने एक्स बार वन, एक्स बार टू, एक्स बार थ्री एंड सो ऑन। किसी अपने पास फंक्शन के कंपोनेंट जो हैं इसके लिए हमने डिफाइन कर दिया, वैल्यू हमने डिफाइन कर दी क्या, ए वन वैल्यू आ गई, ए टू से लेके वैल्यू आ गई ए एन तक। इसी तरीके से इसमें हमने मेंशन कर दिया ए वन बार, ए टू बार और आगे तक हम मेंशन कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी हम लिखना चाहें एस डैश और एस के लिए, दोनों के मध्य ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखना चाहें तो मैं क्या लिखूं, वह लिखनी मेरे को ए आई बार, जैसे सुपरस्क्रिप्ट में लिखा तो फंक्शन अपने पास जो कंपोनेंट इधर अपन ने लिखा था वो किधर आया था, ऊपर की ओर आया था ना। और यदि हम सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो इसको सिंपली हमें क्या लिखना है, वैल्यू आएगी डेल एक्स बार आई, ऊपर वैल्यू लिख दें हम कोई वैल्यू ले ली हमने डेल एक्स लिख दिया और सपोजेड में लिख दिया पी लिख देते हैं अपन है ना, वैल्यू आ गई पी और इधर वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी ए आ गया और वैल्यू आ गई पी। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बन गई किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर के लिए। ठीक है, अब यदि इसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में कैलकुलेट करना चाहूँ, यानी पहले हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एस प्राइम में था और ये किस में था, एस में था। यदि हमें इसको रिवर्ट करना चाहूँ, एस को रिप्रेजेंट करना चाहूँ किस में, एस प्राइम में, तो सीधा सीधी सी बात है इसको क्या लिखें, वैल्यू आ गई ए आई बार आ गया, वैल्यू आ गई डेल एक्स पी आ गया और वैल्यू आ गई डेल एक्स और वैल्यू आ गई बार आ गया और वैल्यू आ गई आई। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज नया कंपोनेंट ले लिया मैंने, इधर वैल्यू आ गई डेल एक्स और वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई कर दिया अपने डेल एक्स बार आई अपॉन वैल्यू ले ली डेल एक्स और वैल्यू ले ली मैंने के। ठीक है, कोई वैल्यू ले लें हम, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल आ गया एक्स आ गया पी अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स बार और वैल्यू आ गई आई और मल्टीप्लाई कर दिया हमने डेल एक्स बार आई और अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स आ गया और वैल्यू आ गई के और वैल्यू आ गई ए पी। या यही फंक्शन यही क्या बना, वैल्यू आ गई ए आई बार, वैल्यू आ गई डेल एक्स बार आई अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स के, इक्वल्स टू वैल्यू आ गई कितना बना डेल एक्स पी अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स के और वैल्यू आ गई ए और पी आ गया। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कौन सा फंक्शन, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन है ना। क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी,
डेफिनेशन थी, अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर डेल पी के अगर लिख रहा हूँ तो डेल पी के इक्वल्स टू वैल्यू थी डेल एक्स पी अपॉन ए वैल्यू आ गई डेल एक्स के, ठीक है, इक्वल्स टू वैल्यू हमारे पास वन बनेगी कब, जब पी इक्वल्स टू वैल्यू आ गई के, और इक्वल्स टू वैल्यू जीरो बनेगी कब, जब पी डज नॉट इक्वल्स टू वैल्यू आ गई के, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको मेंशन कर रहे थे तो उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख दूं, तो वैल्यू आ गई ए पी आ गया, और वैल्यू आ गई डेल आ गया, और वैल्यू आ गई पी एंड के इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल एक्स बार आई अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स के, और वैल्यू आ गई ए आई का बार, ठीक है। ऐसे इक्वेशन को क्या लिखूं, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू वन बनेगी कब, जब पी इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो के हो, अदरवाइज वैल्यू कितनी बनेगी तो जीरो बनेगी। तो अगर पी इक्वल्स टू के है, पी इक्वल्स टू के है तो ये वैल्यू क्या बनेगी, वैल्यू आ गई हमारे पास ए आ गया, और वैल्यू आ गई के इक्वल्स टू वैल्यू आ गई डेल एक्स बार आई अपॉन वैल्यू आ गई डेल एक्स के, और वैल्यू आ गई ए आई बार। तो ये हमारे पास कहलाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कोवेरिएंट टेंसर या सहचर प्रदेश के लिए रूपांतरण समीकरण। अब ये कौन से ऑर्डर का टेंसर है, फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है, फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर है तो इसका मतलब थ्री डायमेंशन में है ना, थ्री डायमेंशन में, थ्री डायमेंशनल स्पेस में, आकाश में इसके कितने कंपोनेंट हमें मिलेंगे, कंपोनेंट हमें मिलेंगे कितने, थ्री रेस टू पावर वन इक्वल टू कितने कंपोनेंट आएंगे, तीन कंपोनेंट आएंगे, है ना। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आती है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर की। अब इसी को यदि मैं लिखना चाहूँ, सपोज दैट सेकेंड ऑर्डर कोवेरिएंट टेंसर लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख दूँ, मैंने इसको लिख दिया डेल लिख दिया ए लिख दिया, वैल्यू आ गई आई जे और वैल्यू आ गई बार, एक वस्तु क्या लिख दूँ, सीधी सी बात है सबस्क्रिप्ट में है तो अपॉन में लिखना है हमें, है ना, डेल एक्स बार आई वैल्यू आ गई डेल एक्स बार जे, वैल्यू लिख दी मैंने डेल एक्स पी, वैल्यू लिख दी डेल एक्स क्यू, और यहाँ वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई ए आ गया, और वैल्यू आ गई पी और क्यू आ गया। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर बन गया। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आएंगे, सेकंड ऑर्डर का है तो 3 रेस टू पावर 2 इक्वल टू वैल्यू आ गई 9 कंपोनेंट आ गए, सो ऑन और भी हम लिख सकते हैं, है ना, किसी भी ऑर्डर का हम कोवेरिएंट टेंसर हम डिफाइन कर सकते हैं। वैल्यू क्या बनेगी, डेल एक्स पी आई डेल एक्स क्यू जे डेल एक्स आर के, और वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, वैल्यू आ गई ए आ गया, और वैल्यू आ गई पी क्यू और आर। थर्ड ऑर्डर का आ गया 3 रेस टू पावर 3, कितने कंपोनेंट आएंगे, टोटल 27 कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है कौन सा, सहचर प्रदेश या कोवेरिएंट टेंसर, ठीक है। तो हमने कहा कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट लगाकर मेंशन करते हैं, और कोवेरिएंट टेंसर है उसको हम सबस्क्रिप्ट लगाकर मेंशन करते हैं। और यदि हम ऐसा टेंसर डिफाइन करें जिसमें सुपरस्क्रिप्ट भी हो और जिसमें क्या हो सबस्क्रिप्ट भी हो, तो वो टेंसर हमारे पास कौन सा टेंसर कहलाएगा, वो टेंसर कहलाएगा हमारे पास मिक्स्ड टेंसर, है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मिक्स्ड टेंसर या मिश्रित प्रदेश, मिक्स्ड टेंसर या मिश्रित प्रदेश, ठीक है। मिक्स टेंसर यानी मैंने कहा सुपरस्क्रिप्ट भी हमें काम में लेना है और हमें सबस्क्रिप्ट भी हमें काम में लेना है। मैंने लिख दिया कि भाई ए बार आ गया, वैल्यू आ गई आई और वैल्यू आ गई जे। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को भी डिफाइन किया और इसमें मैंने कोवेरिएंट टेंसर को भी साथ में लिया है। तो देखो इसे रिप्रेजेंट करने का बिल्कुल सिंपल मेथड है, जो ऊपर लिखा है इसको अपन ऊपर लिख दें, है ना, और जो नीचे लिखा है उसको हम क्या कर दें, नीचे लिख दें। यानी वैल्यू आ गई जैसे डेल एक्स वैल्यू आ गई पी, और वैल्यू आ गई डेल एक्स आ गया, और वैल्यू आ गई क्यू यानी वैल्यू आ गई ए आ गया, और वैल्यू आ गई आई के कोरस्पॉन्डिंग पी लिया ना, तो वैल्यू आ गई ए पी और क्यू आ गया। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गया किसका, मिक्स्ड टेंसर का। यदि मैं इसको सपोज दैट ऐसा हो हमारे पास कि नोटेशंस कुछ इस तरीके से हो, यदि मैं कह दूं सपोज दैट ऐसा है ए बार आई जे और वैल्यू है के, है ना, तो ये हमारे पास किसके किसके इक्वल आएगा, डेल एक्स बार आई आ गया डेल एक्स बार जे आ गया, वैल्यू आ गई डेल एक्स पी आ गया डेल एक्स क्यू आ गया, और वैल्यू आ गई डेल एक्स आर आ गया, और वैल्यू आ गई डेल एक्स बार के आ गया, और वैल्यू आ गई ए और वैल्यू आ गई पी क्यू और वैल्यू आ गई आर, है ना। तो जो फर्स्ट जो एग्जांपल लिखा ये हमारे पास टेंसर कौन से ऑर्डर का आ गया, ये तो आ गया हमारे पास कौन से ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का टेंसर आ गया। और ये एग्जांपल आ गया किसका,
थर्ड ऑर्डर का टेंसर आ गया। किसी भी टेंसर के लिए उसकी यदि हम कोटि निकाल रहे हैं, उसका ऑर्डर हम निकाल रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी इंडिसेस हो जिसकी पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीटेशन हो, रिपीटेशन मींस जैसे मैंने सपोज इट कह दिया कि भाई टेंसर मैंने ऐसा लिख दिया ए बार आई जे के, और यहाँ लिख दिया मैंने एल और वेल लिख दी मैंने के, है ना। जनरली हम क्या कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं ना, नंबर ऑफ इंडिसेस जितने हैं उसी से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई इंडिसेस ऐसा इंडिसेस है कि जिसके जिसका रिपीटेशन हो रहा है, तो वो इंडिसेस हमारे पास क्या कहलाएगा, डमी इंडिसेस कहलाएगा। उसको हम टेंसर का ऑर्डर कैलकुलेट करते टाइम उसको हम कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। मतलब अगर मैं इसको अगर काउंट करना चाह रहा हूँ, इसका ऑर्डर यदि मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो नंबर ऑफ इंडिसेस कितनी है, 1, 2, and 3, तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्डर का टेंसर हो गया, थर्ड ऑर्डर का टेंसर हो गया। और यदि मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया मैंने आई जे के और एल और के, इसका मतलब ये वाला जो इंडिसेस है, ये वाला क्या हो रहा है अपने पास, रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डमी इंडिसेस कहलाएगा। तो जब भी इसका ऑर्डर हम कैलकुलेट करेंगे उस कंडीशन में इस इंडिसेस को कभी भी काउंट नहीं किया जाएगा। तो मतलब इस टेंसर का ऑर्डर भी कितना है, 3 है, और ये वाला जो टेंसर मैंने लिखा है ना, इस टेंसर का ऑर्डर भी कितना है, 3 है, है ना, ठीक है ना। तो ये जो इंडिसेज है ये हमारे पास डम्मी इंडिसेज कहलाएगा। मतलब ऐसा इंडिसेज जिसका रिपीटेशन हो रहा हो उसको हम कभी भी ऑर्डर कैलकुलेट करते समय कभी भी काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गया किसका, मिश्रित प्रदेश का या मिक्स्ड टेंसर का, ठीक है। एक डेफिनेशन और छोटी सी हम यहाँ डिफाइन कर दें, जिसको हमने कहा निश्चर प्रदेश, या हम कह दें शून्य कोटि का प्रदेश, या हम कह दें कौन सी राशि, अदिश राशि हम कह दें, है ना। तो नेक्स्ट हम छोटे से डेफिनेशन और आती है निश्चर प्रदेश या निश्चर प्रदेश, है ना। तो हमने कहा था कि भाई जीरोथ ऑर्डर का जो अपने पास टेंसर होगा वो कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा कि अगर मैं इसको ए आई जे लिखूं, चाहे मैं इसको ए आई जे लिखूं, चाहे मैं इसको ए आई जे लिखूं, ये भी सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, ये भी सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, और ये भी सेकंड ऑर्डर का टेंसर है। ये कहलाएगा सेकंड ऑर्डर का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, ये कहलाएगा सेकंड ऑर्डर का कोवेरिएंट टेंसर, और ये कहलाएगा सेकंड ऑर्डर का मिक्स्ड टेंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए, निश्चर प्रदेश की हम बात करते हैं। जैसे सपोज दैट हमने कहा कि दो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए, एस और हमने लिया एस प्राइम, है ना। एस में किसी पार्टिकल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करे अपन ने, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ठीक है, या मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, एक्स आई से, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हमने रिप्रेजेंट किया x bar 1, x bar 2, x bar 3 एंड सो ऑन, इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने एक्स बार आई से। अब अपने पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जिसका सपोज इट एस में हमने कंपोनेंट मेंशन किया फाई से, एस प्राइम में मेंशन किया किससे, फाई बार से, ठीक है। तो फाई है, इसमें फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसका, एक्स आई का। एस प्राइम में इसको फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसका, एक्स बार और आई का। अगर ये दोनों वैल्यूज़ अगर बराबर हैं, ये दोनों वैल्यूज़ अगर बराबर हैं, इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई भी इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ रहा। अगर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो ये राशि जो है अपने पास, ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमने अपने हमारे पास क्या कहलाएगी, निश्चर कहलाएगी या इनवेरिएंट कहलाएगी, है ना। तो इनवेरिएंट क्वांटिटी है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर उसकी कोई भी डिपेंडेंस नहीं आ रही, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो ऐसा जो प्रदेश है वो हमारे पास कैसा प्रदेश कहलाएगा, शून्य कोटि का प्रदेश कहलाएगा, या कैसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतनी बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेंसर, यानी किन्हीं भी टेंसर को, दो टेंसर क्वांटिटीज को किस तरीके से जोड़ा जाता है, किस तरीके से घटाया जाता है, किस तरीके से हम उन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें, उनका कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से करें, और इसी तरीके से किस तरीके से उनको हम डिवाइड करें। तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।